उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज के सत शिष्य एवं युवा संत दिव्यानंद जी महाराज के मुखारबिंद से दिव्य श्री राम कथा का प्रसारण हलचल चैनल पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक और साय 5:30 बजे से 6 बजे तक किया जा रहा है। आप सभी इस दिव्य श्री राम कथा का श्रवण कर प्रभु कृपा के पात्र बने। चंद्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाय चित्तये सततं भजेऽहम्। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग का
कल समुद्र बूढ़त लखियो प्रगट्यो सत जहान अपने अपने घरन की सब काहू को पी तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर I'm
श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव स्वामी संतदास जी महाराज एवं ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी शास्त्री का पावन स्मरण करते हुए श्रद्धे गुरु जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। संतों की इस पावन धरती महाराष्ट्र को मेरा नमन। अपने मानस गुरु श्री संतोष सरवरिया जी को मेरा प्रणाम एवं आप सभी साथ संगत के अंदर अपने आराध्य भगवान सीताराम जी का दर्शन करते हुए मैं व्यासपीठ से आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी आपको सुमिर के श्री हरि गुणगान शुरू करता हूँ। नौ दिन की इस राम कथा का सब राज भार तुम पर रखता हूँ। सम्माननीय देवी और सज्जनों, जब मैं आया मैंने देखा यहाँ पे काफी लोग पहले ही बैठ चुके थे, तो सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज मेरी वजह से कुछ देरी हो गई कथा में। आप सब सुबह की कलश यात्रा के बाद, मुझे ऐसा अंदाजा नहीं था कि आप सब घर से तैयार होके इतनी जल्दी वापस आ जाओगे पंडाल में। असल में क्या है कि '97 का मेरा जन्म है और 2002 में मैं जालंधर आश्रम में गया था और लगभग 8 साल की उम्र से शायद 8 या 10 साल का था तब मैंने शायद बोलना शुरू किया था, वक्तव्य मैंने वक्तव्य देना शुरू किया था। और मुझे याद है मैं 16 साल की उम्र में पहली बार अकेला महाराज जी के साथ नहीं था, मैं अकेला मैं संगत में आया था। और जितना मुझे ध्यान है शायद मैं पहली बार नागपुर ही अकेला आया था, तो सहज सी बात है कुछ सालों का जो मेरा अनुभव है, तो मैंने तो केवल उस अनुभव के आधार पे ही यह आकलन किया था कि समय पे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा संगत के लिए, परंतु आप फिर भी बहुत भाव और श्रद्धा के साथ यहाँ बैठे थे जब मैं आया, तो सर्वप्रथम तो आप सब बधाई के पात्र हैं। देखिए कथा लंबी चलेगी और पता नहीं आपको कोई बात अच्छी लगे ना लगे, आप किसी बात के लिए ताली बजाएं ना बजाएं, मैं अभी आपकी बात कर रहा था और आपको बधाई दे रहा था, तो अपने लिए तो अच्छे से बजाओ भाई। तो देवी और सज्जनों, बड़ी हर्ष का विषय है कि श्री हनुमंत लाल जी की कृपा, पूर्वजों के आशीर्वाद एवं पंजाबी समाज के पुरुषार्थ से आज हम सब इस नौ दिवसीय रामकथा रूपी यात्रा में प्रवास करने जा रहे हैं, इस सफर के मुसाफिर बनने जा रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग लगातार नौ दिन इस कथा को ना सुन पाए हैं,
परंतु कौन सी बात कब हमारे मन में घर कर जाए इसलिए उसकी हमें जानकारी नहीं। इसलिए जितना हो सके प्रयास कीजिएगा। आज तो शिव चरित्र ज्यादा है, कल भगवान का कथा में प्रवेश होगा। ये यात्रा हमें उनके लिए उनके साथ करनी है। बात सिर्फ इतनी है कि पहले दिन भगवान का जन्म नहीं है, क्योंकि भगवान आए तो उससे पहले हम सबका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कपड़ों से तैयार होने की बात नहीं कर रहा। एक बात अक्सर कही जाती है कि ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि अगर किसी को जीवन में राम कथा सुनने या कहने को मिले। मेरे मन में एक प्रश्न उठा, वह इतने सालों से कहते आ रहे हैं बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, कथा हो रही है, संत आ रहे हैं, संत समागम भी है, आखिर में हम सबके पुण्य फलित हुए। हम बोल सब बातचीत तो यही कर रहे हैं, पर मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आपको ऐसा क्या आभास है कि आपका ये सौभाग्य है, या आपका भाग्य आपके चरम पर है, या आपका भाग्य उदित हुआ है, आपको इसकी क्या अनुभूति है? भाई हम गंगा नहाने जाते हैं ना, तो गंगा नहाने जाते हैं तो तब हम क्या कहते हैं, वे जीवन में एकाध बार तो आदमी को कम से कम गंगा नहा लेना चाहिए ताकि उसके सारे पाप कट जाएं, कहते। और हमारे यहां तो ये तक परंपरा है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में उसने गंगा स्नान ना किया हो तो जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तब किसी पुरोहित के हाथ, किसी धर्माचार्य के हाथ, या किसी साधु के हाथ, या उसके माता या पिता अगर जीवित हो तो उनके हाथ से उसके मुख में गंगा जल डाल दिया जाता है कि चलो जीवन में नहीं हुआ तो एक बार तो कम से कम जाते समय। तो हम जब ये कहते हैं कि गंगा में जाके एक डुबकी मारो पाप कट जाएंगे, तो पहली बात तो ये है कि हमने ये तो समझ लिया कि हम पापी हैं। एक बात तो मान ली सीधी सी बात, भाई पापी हो, पाप किए हैं तभी तो जाके काट रहे हो, जब कुछ किया ही नहीं है तो वहां पे जाके क्यों अपना माथा मार रहे हो। एक बात तो मान ली कि अपन पापी हैं। और रही बात कि अभी तक आपके सर पे ऐसा कौन सा 7-8 किलो की पोटली जो पाप की थी, जो आपके रोज जैसे बच्चे स्कूल में बैग लेके जाते हैं ना, उनको बेचारों को 2-4 किलो का भार रोज सहना पड़ता, तो उनको तो अनुभूति है उस भार की। तो आपको ऐसी अपने पापों की कौन सी गठड़ी सर पे 8-10 किलो की उठानी पड़ रही है रोज, जिसकी आपको अनुभूति की अब हम गंगा नहा लिए, ये गठड़ी हमने उसमें डाल ली और अब बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। आपके पास क्या अनुभूति है कि आपके पाप कट गए? आपने या तो अपने पूर्वजों से सुना है, या किसी ग्रंथ में, या किसी किताब में पढ़ा है, इससे ज्यादा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारी अनुभूति कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग इतने महीने से बोल रहे हैं, क्या है राम कथा ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा नाम रखा, ज्ञान गंगा प्रवाह। तो इस ज्ञान गंगा रूपी प्रवाह में आप डुबकी मारो तो आपके पुण्य बढ़ जाएं और पाप कट जाएं और मोक्ष मिल जाए, क्या अनुभव है आपके पास? आपका सद्भाग्य उदित हुआ, क्या अनुभव है? और मैं आपको आज पहले दिन एक बात बोल दूं, वो थोड़ा मैं तो बाबूजी भी जानते हैं मैं थोड़ा सा बोलने में कठोर हूं, कि जो लोग यहाँ पे अपने पाप कटवाने, पुण्य बढ़ाने या किसी मोक्ष के चक्कर में आए हैं, तो उनका क्या हो क्या ना हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं लेता। वक्ता की श्रोताओं के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, परंतु ये जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा कि 9 दिन कथा सुनो, 9 दिन में निर्वाण आपके हाथ में, बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ से कोई दावा नहीं, कोई महान साधु पुरुष आके आपको कथा सुनाए तो वो कोई कृपा करे तो उसकी बात अलग है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। परंतु ऐसा नहीं कि ये कथा कुछ देगी नहीं आपको,
देखिए जब गंगा नहाते हैं ना, तो गंगा नहाने में एक बड़ी कमाल की बात है। हम कहते हैं पाप कट गए, तो एक बात तो सीधी सी समझ आती है कि भाई जीवन में खूब गलत काम करो, आखिर में एक डुबकी मारो, अपन सुलझ गए, क्षम्य हो गया हमारा सारे अपराध। तो इस हिसाब से तो कर्म का जो सिद्धांत है वो तो आपने एक ही बार में खत्म कर दिया कि जो करोगे सो भरोगे। कर्म का सिद्धांत तो उसी समय खत्म हो गया ना। परंतु ऐसा नहीं है, आपने जो किया है आपको उसका फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा पहली बार। परंतु एक शब्द बड़ा सुंदर है, उसे कहते हैं प्रायश्चित। ये जो प्रायश्चित नाम की चीज है, जब हम गंगा में स्नान करके अपने किसी अपराध की क्षमा मांगते हैं, तो जैसा जब मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये स्वीकार कर लिया हम पापी हैं, भाव मेरा ये है कि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझसे कोई भूल हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है, भले ही जान के या अनजाने में, परंतु हमने उसे स्वीकार तो किया। और याद रखिएगा, जीवन में भले ही आपके बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो या आपकी बात हो, जब आप गलती को स्वीकार करते हैं तो वो सबसे पहला कदम होता है प्रायश्चित की ओर। सबसे पहला कदम गलती प्रायश्चित की ओर किसी भी व्यक्ति का जीवन में यही हो सकता है कि वो पहले अपनी गलती, कोई गलती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्रायश्चित क्या करेगा वो। गंगा आपके कर्म फल नहीं काटती, गंगा असल में आपका एक प्रायश्चित का माध्यम है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि असल में गंगा में स्नान करके हमारे द्वारा किए हुए अपराधों का जो फल हमें मिलना है उसे भोगने के लिए अब हम सज्ज हैं, अब हम तैयार हैं। जब वो फल हमें भोगने पड़ेंगे तब हम ये नहीं कहेंगे इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।